गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बता दें कि देश में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 25 जून के संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाना इस बात को याद दिलाएगा कि जब संविधान को रौंदा गया था तो क्या हुआ था। पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि यह उस प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी दिन है जिसमें आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले और जो कांग्रेस द्वारा लाया गया भारतीय इतिहास का काला दौर था। सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान अमानवीय पीड़ा झेलने वालों के व्यापक योगदान को याद करने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसी दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यह घोषणा की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बाबत प्रतिक्रिया दी है कि मोहन यादव ने लिखा, भारत सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय करोड़ों भारतीयों की आवाज को मुखर करते हुए उनके संघर्ष को नमन करने का ऐतिहासिक प्रयास है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के कलंकित अध्याय आपातकाल से भारत के नागरिकों की आवाज का क्रूरता से दमन करते हुए प्रगति को बाधित किया गया था। यह दिवस संपूर्ण भारत को लोकतंत्र की मजबूती और रक्षा की प्रेरणा देगा। वहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने से लोगों को कांग्रेस की तानाशाही पूर्ण मानसिकता के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के बलिदान और शहादत की याद दिलाएगा। बीजेपी ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने लगभग 50 वर्ष पहले इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी।